नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपनी समाधान यात्रा के तहत मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया पहुंच गए, जहां सीएम नीतीश कुमार सबसे नक्सलियों के घर कहे जाने वाले बांके बाजार प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव पहुंचे। उन्होंने बेला गांव में बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती और सात निश्चय योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से बात भी की। सीएम नीतीश के साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वित्त मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा समेत कई नेता और मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों महाराष्ट्र में थे। जानकारी सामने आई कि उस दिन एक शख्स ने एनएसजी का फर्जी पहचान पत्र बनाकर पीएम के कार्य में शामिल होने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सेना, आईबी समेत कई अन्य एजेंसियां भी मामले में जांच कर रही हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में जातीय धार्मिक उन्माद भड़काने वाले बयान देने की होड़ लगी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे बिगड़े बोल वालों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर शुक्रवार को फिर से पत्थरबाजी की गई है। बताया जाता है कि शुक्रवार शाम को ट्रेन के C6 बोगी के बर्थ 70, 71 और 72 के शीशे चटके हुए मिले हैं। उक्त बोगी में बैठे यात्रियों का आरोप है कि जब ट्रेन दाल खोला और तोलता स्टेशनों के मध्य थी, तभी ट्रेन में जोरदार आवाज हुई। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में पसंदीदा मंत्री और नौकरशाहों की बैठक की अध्यक्षता करने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भाग लेने के लिए रायपुर के स्टेडियम पहुंच गई है। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को कीवी टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह ड्रेसिंग रूम का दीदार कराते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार 22 जिलों में शिक्षा भवन बनवाएगी। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। सीतामढ़ी, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर और औरंगाबाद जिले में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। जल्द ही इन जिलों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे, जबकि अन्य 17 जिलों पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, रोहतास, जमुई, मुंगेर, शिवहर, बांका, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, नवादा, खगड़िया और किशनगंज में भी शिक्षा भवन बनाने के लिए प्राकलन तैयार कर लोक वित्त समिति को भेजा गया है। इन 17 जिलों में शिक्षा भवन के निर्माण के लिए 83 करोड़ खर्च किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आने वाले समय में भारत को कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सुनामी झेलनी पड़ सकती है। वैश्वीकरण बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती उम्र की आबादी और बदलती जीवन शैली इसका कारण बनेगी। अमेरिका के ओहियो स्थित क्लीवलैंड क्लिनिक के हेमटोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जामे अब्राहम ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर में फैंस ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। बॉलीवुड के भी तमाम कलाकारों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने भी अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा है कि वे उन्हें बहुत याद करती हैं। वीडियो पर लोग कमेंट कर अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग सुशांत की मौत के लिए रिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस वीडियो के लिए उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल इस बार मुस्लिम देशों के संगठन के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पाएगा। बता दें कि संगठन में अभी तक यह नियम लागू था कि कोई भी इस्लामिक देश किसी प्रस्ताव को लाता है तो उसे सभी देशों को मानना पड़ता है, लेकिन इस बार नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर पाकिस्तान को होगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। DGCA ने नागरिक उन्नयन नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा पायलट इन कमांड का लाइसेंस को भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट शनिवार को हैक कर लिया गया। इस दौरान हैकर्स ने RCB के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर बोर्ड ऐप याच क्लब कर दिया है। हैकर्स ने RCB के बायो को बदलकर उसमें नया लिंक शामिल कर दिया और उसकी डिस्प्ले पिक्चर भी बदल दी थी, लेकिन यूजर्स ने इसे जल्द ही पहचान लिया जब हैकर्स ने NFT से संबंधित ट्वीट किए। दिलचस्प बात यह है कि RCB ने अभी तक हैकर्स द्वारा ट्वीट की गई सामग्री नहीं हटाई और न ही फ्रेंचाइजी ने ट्विटर अकाउंट को हैक होने की पुष्टि की है। PM मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स 13 भाषाओं में उपलब्ध हो चुकी है। हिंदी, इंग्लिश के अलावा यह किताब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली में भी उपलब्ध है। इसका लेटेस्ट संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। एग्जाम वॉरियर्स में परीक्षाओं से होने वाले तनाव से निपटने के लिए टिप्स दिए गए। इसके साथ ही किताब में छात्र छात्राओं को स्ट्रेस मैनेज करने के भी तरीके बताए गए। छात्र छात्राओं के अलावा यह पुस्तक शिक्षकों और पेरेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अपनी स्थापना के 118 साल पूरे हो चुके प्राइवेट सेक्टर लेंडर सिटी यूनियन बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट रेट में इजाफा किया है। सिटी यूनियन बैंक सबसे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। एफडी रेट्स में इस इजाफे के बाद बैंक अपने जनरल कस्टमर्स को 7 दिन से 10 साल की एफडी पर 5% से 6.90% का ब्याज दे रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने के 100 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। यह दूसरी बार है जब सरकार में रहते हुए नियम तोड़ने के लिए उन पर जुर्माना लगाया गया। बता दें कि यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना भारत की परंपरा रही, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कोई भी मुख्य अतिथि इस मौके पर शामिल नहीं हो सके। लेकिन इस साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने हाल ही में गणतंत्र दिवस के निमंत्रण को स्वीकार किया है। भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल मुख्य अतिथि का विशेष सम्मान के साथ सत्कार किया जाता है और उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। भारत पाक बॉर्डर के पास जैसलमेर में रेतीले धोड़ों पर भारत और मिस्र की सेना ने ज्वाइंट युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसे एक्सरसाइज साइक्लोन आई नाम दिया गया है। दोनों सेनाओं की यह स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम 14 दिनों तक चलेगी। भारतीय और मिस्र की सेना का यह अपनी तरह का पहला संयुक्त युद्धाभ्यास है। रेगिस्तानी इलाके में काउंटर टेररिज्म ड्रेड और अन्य स्पेशल ऑपरेशन पर दोनों सेनाओं का फोकस है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कठुआ से 10 किलोमीटर के बाद वापस भेजे जाने की सूचना है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की बात का हवाला दिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले को भी वापस किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के कारण पठानकोट जिला पुलिस ने पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया है। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह दिल्ली क्यों लौट रहे हैं। राहुल गांधी को 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्यक्रम है। अमेरिका में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के XBB.1.5 वेरिएंट के मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं। कोरोना के इस वेरिएंट को अभी तक का सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। यह ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो इंसान की इम्यूनिटी से आसानी से बच निकलने में सक्षम है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। नागपुर की एक संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। वह इन सभी आरोपों को धीरेन्द्र शास्त्री ने सिरे से निकाल दिया है। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देना शुरू कर दिया है। अब केंद्र और राज्य के कम से कम 50 संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचते ही विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को लाल चौक में स्थानीय युवाओं ने राहुल गांधी को गो बैक के नारे लगाते हुए यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से यात्रा पर पाबंदी लगाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में राहुल की यात्रा का 20 जनवरी को दूसरा दिन था। यात्रा का समापन 30 जनवरी को शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में होगा। चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अभ्यास प्रलय आयोजित करेगी। इस अभ्यास में वह अपने सभी प्रमुख हवाई अड्डों को शामिल करेगी। अगले कुछ दिनों में होने वाले अभ्यास का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय वायुसेना ने क्षेत्र में S-400 वायु रक्षा स्क्वाड्रन को तैनात और सक्रिय कर दिया है, जो दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने में सक्षम है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ओलंपिक को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इंटरनेशनल काउंसिल नई ओलंपिक कमेटी भी बनाने जा रही है, मगर इसी बीच एक झटका देने वाली खबर सामने आई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बताया कि 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में सियासी गलियारे में भी खलबली मची हुई है। भले ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों ने फिलहाल प्रदर्शन स्थगित कर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है। इस पूरे विवाद में भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में पुलिस महानिदेशकों व पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। सरकार ने शुक्रवार को जानकारी दी कि सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सहित लगभग 100 आमंत्रित व्यक्ति सम्मेलन में शारीरिक रूप से भाग लेंगे, जबकि शेष आमंत्रित देश भर से आभासी रूप में भाग लेंगे। शुक्रवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में खाद्य विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मुफ्त गैस योजना की समीक्षा की। दिसंबर 2022 तक राज्य में 1,48,411 निःशुल्क गैस सिलेंडर बांटे जा चुके हैं।
अंत्योदय श्रेणी के पात्र परिवारों को सरकार एक साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देती है। उत्तराखंड के जनपद चंपावत के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर बनबसा पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया। थानाध्यक्ष बनबसा उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री से प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार भी मिला। 13 जनवरी को चीन के कस्टम विभाग के द्वारा भारत चीन व्यापार से संबंधित जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2022 में दोनों मुल्कों के बीच 8.4% की वृद्धि के साथ व्यापार 135.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा भी 100 अरब डॉलर के नए स्तर को पार कर गया है। पिछले साल भारत को होने वाले चीनी सामान के निर्यात में 21.7% की वृद्धि हुई है और यह 118.5 अरब डॉलर हो गया है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर द मोदी क्वेश्चन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है जिस पर विवाद छिड़ गया है। बीते 17 जनवरी को यूट्यूब पर पहले रिलीज किया गया था और 24 जनवरी को दूसरा एपिसोड रिलीज करने की तैयारी की गई थी। इससे पहले केंद्र सरकार ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार बताते हुए इसे यूट्यूब से हटवा दिया। यह कोई पहली बार नहीं है जब बीबीसी पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगे। हालांकि अपनी वेबसाइट पर बीबीसी दावा करता है कि हम संपादकीय मानकों का पालन करते हैं, हम उन सबूतों और शोधों को भी प्रकाशित करते हैं जिन पर हमारे संपादकीय निर्णय आधारित हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विभा कुमारी, प्रिंस कुमार, पीयूष असरफी मंडल, एमडी साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, जुबैर आलम, कुमार विवेक, के सिन्हा, एमडी नौसाद रजा, बाबूलाल मरांडी और नुन्नू गोलू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए वे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।